अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास, बबुनिया रोड, सिवान। सिवान में किन्नरों ने मुफस्सिल थाना के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। हाथों में पेट्रोल लेकर खुद को आग के हवाले करने की बार बार धमकी दे रहे किन्नरों का कहना है कि पुलिस उनके साथ ज्यादती कर रही है। ऑर्केस्ट्रा संचालक कृष्णा परदेसी का आरोप है कि पुलिस के द्वारा उनसे बार बार पैसा मांगा जाता है, नहीं देने पर साथ में काम कर रहे लोगों को जबरन पुलिस द्वारा उठाकर परेशान किया जा रहा है। करिश्मा परदेसी ने बताया कि पुलिस ऑर्केस्ट्रा में काम करके लौटी लड़कियों को जबरदस्ती उठा कर ले आई है। किन्नरों का आरोप है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कदम मोड़ से पुलिस ने 15 लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर थाना लेकर चली गई, जिसके बाद किन्नर आक्रोशित हो गए और जमकर प्रदर्शन किया। किन्नरों ने हाथों में पेट्रोल लेकर खुद को जलाने की धमकी देने लगी है। किन्नरों ने इस दौरान सिवान गोपालगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग दिल्ली के निर्देश पर मिशन मुक्ति फाउंडेशन से 3 लोगों की टीम सिवान आई थी। शिकायत मिलने के बाद यह टीम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कदम मोड़ से 15 लड़कियों को नाबालिग बताते हुए महिला थाना के सहयोग से पकड़कर मुफस्सिल थाना लेकर पहुंची। मिशन मुक्ति फाउंडेशन के सदस्य अमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नाबालिग लड़कियों से जबरदस्ती ऑर्केस्ट्रा में काम कराया जाता है। वहीं सड़क जाम और प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता सैयद मायावती के पहल से मुफस्सिल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और किन्नरों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास कर मामला को शांत कराया गया। हाँ, बातचीत हुई। क्या हुआ? क्या बातचीत हुई? क्या बोला है? बोले इंसाफ मिलेगा मुझे। तो क्या क्या हुआ था कि इंसाफ? कुछ हुआ नहीं था, 2 महीना से लो टॉर्चर कर रहे हैं। कोई कभी पटना से, कभी दिल्ली के ब्रांच जा रही है हमें टॉर्चर करने के लिए। लड़के बार बार उठा ला रहे हैं, सुबह लड़कियाँ काम में से आकर सो रही थी, उन लोगों को चादर उधर खींच कर जबरदस्ती उठा कर लाया गया है। यहाँ पे परेशानी बढ़ती जा रही है। बच्चियाँ तो इसमें नाबालिग दिख रही है, तो ये कोई जबरदस्ती तो लाया नहीं जाता। सबके गार्जियन आया है, माँ बाप आई है साथ में, तो जो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्या है? माँ बाप ने सारा मजबूरी समझ आ रहा है ना, मालिक तो जबरदस्ती नहीं लाता है। जबरदस्ती कोई चीज होती है यार? ये उनके परिजन के टोटल जितनी लड़कियां काम करती है ऑर्केस्ट्रा लाइन में, सब राजामंदी से आती है, गार्जियन का, माँ बाप का थोड़ी लाता है। अभी थाना अध्यक्ष से आप मिली है, क्या बोले थाना अध्यक्ष? हाँ, बोल रहे हैं कि मतलब इनको, मतलब सबको रिहाई किया जाएगा, इंसाफ दे रहे हैं। अच्छा, बड़ा बाबू बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बाकी चूतिया कहीं का दिल्ली टीम आया हुआ है, बस उन लोगों के बारे में मुझे जानना है। वो लोग गए क्यों? कंप्लेन है लड़कियों को, मेरे लड़की लोग जानते, सोते समय लड़की सोती कैसी है, कपड़ा वड़ा उठा था लंगा, लड़कियाँ सो रही थी, लोग ऐसे कपड़ा खींच कर लाया है, सब लड़कियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, बस उन लोगों को कंप्लेन करना है मुझे। साथ में उनकी महिला पुलिस वगैरह नहीं थी? नहीं, कोई लड़की एक थी, अब कम से कम 15 जेंट्स। वो तो बोले कि महिला पुलिस साथ में थे वो लोग? नहीं, एक थी और 15 जेंट्स था। आप लोग शिकायत करेंगे? हाँ, मैं केस करूंगे भाई। अच्छा, ये बताइए, लड़कियाँ सब आके बयान देगी जिन लड़कियों के साथ ये घटना हुआ है? आप किसी कमरे में जाकर ऐसे कैसे मर्द हो घुस जाओ? अच्छा, ये बताइए, यहाँ की पुलिस क्या कह रही है, दोषी किसको कह रही है? दिल्ली वाली टीम को दोषी? हाँ, कौन बोला है यहाँ, कौन बोला? बस वो सभी बोलेंगे भाई गलत है तो गलत। प्रशासन ने आपको कोई बोला है? नाम मैं नहीं जानती। आपने बोला कि अभी दिल्ली टीम दोषी है, तो प्रशासन ने आपको? हाँ, दोषी है, मैं भी कह रही हूँ, मेरा स्टाफ भी कह रहा है, सभी हम लोग जानते को गलत करे तो गलत कहूँगी। बोला थाना प्रभारी बोले की रोड पे आग लगाने की बात किस तरह आ गई? आग इसलिए कि भाई हमारे साथ 2 महीना से ये हो रही है, एक दिन का नहीं है, 2 महीना से टॉर्चर किए जा रहे हैं। आपके साथ किसके द्वारा था कि पैसा मांगा जा रहा था? हाँ, के द्वारा। हाँ, हमेशा पैसे के लिए टॉर्चर होता है भाई, पैसे के लिए जाता है। कौन मांगता था? पैसा मांगता है, जाता है यहाँ का, नई गाड़ी से जाता है, 4-5 जाएंगे, कभी शाम को जाएगा, कभी दोपहर में जाएगा। पैसा के अलावा? अभी मैं सब शिकायत की हूँ। पैसा के अलावा? नहीं, बस पैसा करता है लोग कि पैसा दे दो, मसला सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा, ये वो तुम्हारा। कई लोग बोला, कई लोग गलत आरोप भी लगा। मेरा कदम और महुआरी चलता है।
क्या नाम हुआ आपका? मेरा करिश्मा परदेसी नाम है। लाया गया है नाबालिग के लिए, ये ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, जो नाबालिग लड़कियां काम करती हैं या फिर अगर जो बालिग भी हैं उनसे अधिक काम लिया जाता है और पैसा कम दिया जाता है, तो लेबर का जो है, जो लेबर का अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है, अधिक से अधिक काम लेना और कम पैसा देना, और जो नाबालिग लड़कियाँ हैं उनसे भी काम लिया जाता है। कहाँ से इनको गिरफ्तार किया गया ये मुझे इतना पता नहीं, कौन सा एरिया है, थाना यही पड़ता है। अच्छा आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए दिल्ली से। अब वो क्या कंप्लेन या सूचना कोई मिली थी? जी बिल्कुल कंप्लेन मिली थी, जब तो आए हैं यहाँ। क्या कंप्लेन मिली? प्रशासन द्वारा किसी, कैसे? अब ये आपको नहीं बता सकते कि हमें किसने कंप्लेन किया, क्या कंप्लेन मिला। हम लोग, हमारा एनजीओ है मुक्ति मिशन फाउंडेशन, हम एनसीपीसीआर के लिए काम करते हैं। पूरा अमित कुमार। अमित कुमार, आप कितनी की टीम है यहाँ पे? हम तो दो चार लोग आए हैं। चार लोग आए हैं। कई तरह का आरोप है कि सुबह में घर में घुस, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ महिला पुलिस थी, अनुराधा जी, महिला थाने के वो है, एसएचओ है, वो हमारे साथ थी, उनके देख रेख में सब कुछ हुआ। ये तो वैसे अमित ग्राम से आए हैं, ठीक है। हम दुकान से काम से बाहर गए थे, वो लोग आए दरवाजा तोड़ तार के क्या क्या करके लेके आए हैं, अभी इतना तो बता नहीं सकते हैं। नाबालिग में लाया गया है कल, आपको नाबालिग दिख गई, आधार कार्ड इनका भी चेक कीजिए, मेरा भी चेक कीजिए। ये शादी भी आपसे हुआ है? एक साल हो गया है। एक साल हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भी वहीं के हैं, लखनऊ के ही। लखनऊ के ही हम भी हैं। लखनऊ के हैं। हाँ, यहाँ पे साहब पे काम करते हैं? हाँ, यहाँ पे तो हम बहुत दिन से काम करते हैं। ये आपके पति हैं? हाँ। शादी हो गया है? हाँ। तो फिर आपको नाबालिग में लाया गया है? हाँ। हाँ। नाम क्या आपका? जानवी। जानवी, शादी कितने साल पहले हुई है? एक साल हो गया। क्या नाम है इनका? इनका नाम सत्या है। दिल्ली की टीम ने छापा मारा है, तो इन लोगों को जहन में ये बात बैठ गई थी कि मुफस्सिल थाना इसमें संलिप्त होकर के अभद्र व्यवहार किया चाहे जो भी किया, लेकिन हमारे थाना प्रभारी महोदय की तत्परता कार्रवाई से न्याय हुआ और इन लोग बात। क्या कैसे जान पहचान है इन लोगों से? हमारी कोई जान पहचान नहीं है। आप थाना में आए हैं? मैं अपना सोशल वर्कर हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, मैंने देखा कि रोड ट्रैफिक जाम है, इस नाते मैंने इनको समझाया और मेरी बात माने और थाना प्रभारी जी की बात माने और इन्होंने रोड जाम हटाने का समझौता कराया। दोषी कौन है? ये जो एनजीओ है वो है, ये थाना है? दोषी ये तो ये लोग न बताएंगे, लेकिन मेरे नजर से आप थे तो आपने क्या, मेरे नजर से जो इन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जो बाहर की टीम आई थी उसने किया, लोकल थाना से इनको शिकायत। आपके सहयोग से कमरबाइज हो रहा है? नहीं, हम थाना के सहयोग से हो रहा, हम लोग उसमें पहल किए हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते उसमें मैंने पहल किया। कौन, किस संगठन से सामाजिक कार्यकर्ता, बता दीजिए। मैं एक सिवान का नागरिक हूँ, इस नागरिक के नाते शहर का जाम लगा था, इसके लिए मैंने इस जाम को हटवा दिया। भाजपा कार्यकर्ता है आप? जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, तो सब लोग जानते हैं।